गैस को 3 4 दिन साफ़ ना करें छोड़ देना, या फिर हम कहीं चले जाते हैं वापस आते हैं तो देखते हैं ना गैस बर्नर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज हम इसको साफ़ करेंगे 5 मिनट में, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुशबू आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गैस स्टोव का ये ना बर्नर और ये प्लेट ये सब हटा लेंगे। आप देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है ये चीज़ें, यहाँ पे पूरी गैस पे काले काले से धब्बे हो गए हैं। ये कैमरे में उतना दिख नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस पर डालेंगे गर्म पानी। तो बर्नर हटाने के पहले ही मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो ये एकदम हॉट वाटर डालेंगे। उससे क्या होगा ना, जो भी इस पर जमा हुआ कचरा है या ऑयली है ऑयल है वो सब फूलेगा। और साइड में हम गर्म पानी लेंगे, उसमें डालेंगे इनो, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम लिक्विड, हम बर्तन धोने वाला लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। उसको मिक्स करने के बाद जो हमारा बर्नर है ना उसको हम इसमें सोक कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उसके जो होल्स हैं ना वो खुल जाए, उसमें जो भी कचरा हो वो बाहर आ जाए। और सेम तरीके से हम दूसरे कटोरी में ये प्लेट्स भी सोक करने के लिए रख देंगे। अब एक इनो और लेंगे और उसको पूरे गैस पे इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो और उसके बाद यहाँ पे लेंगे एक ब्रश, और उस ब्रश की हेल्प से हम पूरे इनो को गैस पे इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे, ताकि इनो का जो एसिड है उसकी हेल्प से जो भी हार्ड कचरा जमा हुआ है वो रिलीज हो जाए। अब फिर हम लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे नींबू और विम लिक्विड और यहाँ पे इनो, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से हम ये स्क्रब ले लेंगे और पूरे गैस पे अच्छे से फैलाएंगे। तो पहले ही मैंने गर्म पानी डाला था, उसकी वजह से बहुत सारा कचरा और जो ऑयल है वो फूल गया है। तो हम जैसे ही इसको स्क्रब से स्क्रब करेंगे ना, ज़्यादातर कचरा निकल के पूरे स्क्रब में आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से तार वाला ब्रश ले लेंगे, तो जो भी हार्ड यहाँ पे जम गया है काला कचरा उसको रिमूव कर लेंगे। आप देखो कितनी आसानी से निकल रहा है। और जैसे सब रिमूव हो जाए इस तरीके से हम इसको साफ कपड़े से साफ कर लेंगे, जो भी हमारा लिक्विड है सूट है सब लगा है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक गया है अभी ये गैस को, देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। चलिए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, बर्नर को भी क्लीन कर लेते हैं। तो हम वही ब्रश लेंगे, तो पहले ब्रश से बर्नर को अच्छे से साफ करेंगे ताकि उसके होल्स का जो कचरा है वो निकल जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना काला कचरा जमा था इसमें। तो ब्रश की हेल्प से अच्छे से पहले इसको क्लीन कर लेंगे, फिर हम ये स्क्रब लेंगे और उससे अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, ये आप देख सकते हो कलर ही कितना चेंज हो गया। हम सेम तरीके से हम ये जो प्लेट्स हैं ना, आप देखो कैसे फूल के ना पहले से इसका कचरा जो है वो निकल रहा है। तो इस तरीके से ब्रश से इसको भी साफ़ कर लेंगे। मैंने बहुत दिनों से गैस ऐसी छोड़ दी थी, पुरानी गैस थी इसलिए इतना ज़्यादा जम गया है ये। तो ब्रश से अच्छे से इसके कोनों में भी साफ़ कर लेंगे इस तरीके से, और फिर तार या स्क्रब की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए फाइनली हमारा गैस कितना क्लीन हो गया है। ये क्लीन करने में मुझे 20 मिनट लगे, लेकिन आप देखो पहले ये कैसा दिखता था और अभी इसको क्लीन करने के बाद कितने अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है 20 मिनट के अंदर ही। तो आप इस टिप्स को फॉलो करें और अपना गैस भी क्लीन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।